दोस्तों ये है मीका OSM की तरफ से आने वाला 1 टन का एक पिकअप ट्रक। वैसे जब मीका को हमें फाइनली दिखाया गया था जब हम उनके फैक्ट्री वगैरह विजिट किए थे आज से लगभग 1.5 साल पहले, तब मीका कुछ और फॉर्म में आता था, ऊंची बड़ी लंबी सी गाड़ी दिखती थी, पर वो मीका 1.5 था। ये मीका 1.0 है, मतलब ये 1 टन के पेलोड के साथ में लेके जाएगा। सरल सी भाषा में बताऊं तो जो मारुति सुजुकी सुपर कैरी आती है उसका रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फॉर्म में सबसे जल्दी अगर मार्केट में ढूंढ रहे हो तो ये गाड़ी आपके लिए। कंपनी कहती है अगर आधे लोड के साथ में, मतलब 500-600 किलो के साथ में अगर आप चलना चाहते हो तो ये गाड़ी आपको 150 किलोमीटर की रेंज देती है। अगर आप पूरे लोड के साथ में जाते हो तो लगभग 120 किलोमीटर के आसपास रेंज मिलने वाली है। 80 के आसपास टॉप स्पीड लिमिटेड है, तो इस गाड़ी की भी स्पीड 80 के आसपास ही टॉप लिमिटेड होगी। हालांकि इसमें कोई गियरबॉक्स नहीं लगा हुआ, मतलब डायरेक्ट ड्राइव आती है, मतलब रिवर्स और फॉरवर्ड मोड्स मिलेंगे। अब बहुत सारी बातें हो गई, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स, और मीका का ये वीडियो हम शुरू करते हैं और आपको पूरा घूम के दिखाते हैं कि एक्चुअली गाड़ी में अंदर क्या है, केबिन में आसपास क्या लगा हुआ, नीचे क्या लगा हुआ, डाला कितना लंबा चौड़ा है, वो सारी बातें। दोस्तों ये है ओमेगा साकी मोबिलिटी का मीका M1। एक्चुअली जब कंपनी ने हमें मीका दिखाया था फर्स्ट टाइम में तो वो अलग लुक में आता था। इसका सामने से सेमी फॉरवर्ड डिज़ाइन हो गया, मतलब ये गाड़ी का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज किया है, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करी है। पर इस गाड़ी को आपको समझना क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो मीका M1 है, ये मीका M1 1 टन का पेलोड लेके जाएगा, आप ये समझो। दूसरी बात, इसमें कोई पेट्रोल डीजल नहीं डलेगा, ये सिर्फ लाइट से चलेगा, मतलब इसके अंदर सिर्फ बिजली जाएगी, वो चीज़ आप समझो। मीका 1.0 के बोला है, क्यों? क्योंकि 1 टन का लोड लेके जाएगा। और इसमें मैं सच बताऊँ तो पीछे की तरफ आपको कमानियाँ आती हैं और आगे की तरफ इसमें कमानियाँ नहीं आती है, मतलब जैसे मारुति सुजुकी सुपर कैरी होती है बिल्कुल वैसे ही आता है, मतलब आगे की तरफ आपको इसमें सस्पेंशन आती है, जो कि हम थोड़ी देर में देख लेंगे। फिलहाल मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा गाड़ी के बारे में, पर हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सामने से पहले देख लेते हैं, साइड से देखेंगे, फिर साइड से घूम के पूरा का पूरा चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो और फिर केबिन भी दिखा दूंगा मैं आपको, और क्या सारी टेक्निकल चीज़ें वो भी हम इसके बारे में जानेंगे। सामने से देखने में मीका हमें आज भी अच्छा लगता है, कंसेप्ट वाला भी अच्छा लगता था, ये भी अच्छा लगता है। आप अगर यहाँ देखोगे तो दोनों आपको हेडलैम्प के सेटअप दिख जाएंगे, हैलोजन बेस्ड है, और यहाँ पे आपको कुछ बहुत ही बढ़िया यूनिक सी लाइट लगती है। OSM का यहाँ पे लोगो है और ये ग्रिल वगैरह बहुत ही मुझे ठीक लगती है एक्चुअली गाड़ी की, सही बताऊँ। और यहाँ पे देखो एक टूइंग हुक है जो कि EVs में अक्सर जरूरत पड़ जाती है अगर आपकी रेंज खत्म हो जाए और आप मेरी तरह केयरलेस हो कि पूरी रेंज ट्रेन करने के चक्कर में रहते हो। यहाँ पे आपको ड्यूअल फॉग लैंप सेटअप मिलेगा, मतलब ड्यूअल हैलोजन में फॉग लैंप सेटअप मिलेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया और कमाल की चीज़ है। यहाँ पे भी आप देखो तो बढ़िया तरीके से लाइट्स वगैरह हैं, सही तरीके से ये दिखाती हैं रात को आपको पाथ, आप रोड वगैरह आपको बहुत बढ़िया दिखेगा, देखने में काफ़ी यूनिक लगेगा। लोग पूछेंगे आपको बार बार अगर आपने गाड़ी खरीद ली कि भाई कौन सा गाड़ी है, कहाँ से लाए हो, क्या चीज़ है। मीका M1K का स्टिकर है क्योंकि मीका जो है इसके जो फाउंडर है उदय नारंग जी, उनके लड़के का नाम है, तो उन्होंने इसलिए इसको M1K बोला है गाड़ी को। एक्चुअली मीका तो इंडिया में हम लोग बोलने लगे हैं, बट गाड़ी का टेक्निकल नेम M1K ही है, और ये गाड़ी अब एक्चुअली लॉन्च भी हो गई है। कीमत वगैरह के बारे में बात हम बाद में करेंगे वीडियो में, पर आप एक जहाँ समझो कि 14 इंच के टायर उन्होंने लगाए हुए हैं, और ये टायर जो है इस गाड़ी को बढ़िया रेंज देते हैं क्योंकि गाड़ी के टायर उतने ही ऊंचे हैं, उतने ही चौड़े हैं जितना ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें इसके बारे में बढ़िया। इंडिकेटर वगैरह देखने को मिलता है, पीछे के मिरर्स वगैरह काफ़ी फ्रिंसी नहीं है, मतलब ये प्रैक्टिकल हो गया है कहीं ना कहीं। डोर हैंडल्स भी आपको साइड वाले नहीं मिलते, चिंटू विंटू, बढ़िया ग्रिप मिलती है इनके ऊपर, बढ़िया चीज़ है, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। पहले वाले हमें डोर्स वगैरह भी अजीब से दिख रहे थे, बट यहाँ देखो पानी वगैरह ना जाए इसके लिए देखो यहाँ पे एक स्ट्रिप बनाई हुई है, और यहाँ पे इसको डाउन करा हुआ है, इसको अप किया हुआ है, जैसे डाउन और अप से क्या होता है कि अलग से रेन वाइजर नहीं लगवाना पड़ेगा, यहीं से आपका रेन का प्रोडक्शन हो गया। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो तो ये डाला है, और ये डाले की जो लंबाई है चौड़ाई है वो बहुत ही बढ़िया है, मतलब अगर इस डाले की बात करो तो ये मेरे ख्याल से लगभग 9 फीट की लंबाई में आता है और लगभग 5 फीट की चौड़ाई में आता है। मैं इसके डायमेंशन आपको एग्जैक्ट स्क्रीन पर लिख दूंगा बाद में पता करके, क्योंकि मैं भूल गया हूँ जब मुझे बताए थे उसे डायमेंशन, बट ये डाला बहुत बड़ा है, हाफ डाला में गाड़ी आती है। आप इसको कंटेनर में भी अगर बोलोगे तो कंपनी कंटेनर में देने भी तैयार है, और ये फ्लैट बेड में नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि मतलब आपको ये तो इतना डाला तो आपको लेना ही पड़ेगा, मतलब चैसी के साथ में नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। पीछे की तरफ जो लाइट्स हैं वो LED हो सकते थे, मतलब ये थोड़ा शिकायत रहेगा। बाकी यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिखेगा, ब्रेक लाइट दिखेगी, बैक लाइट दिखेगी, रिफ्लेक्टर वगैरह दिखेगा, तो वो सारी चीज़ें। डाले के हिंजेस वगैरह बढ़िया ही लगते हैं, क्योंकि डाले के हिंजेस वगैरह को बढ़िया ही लगते हैं, वो चीज़ें भी आप देखोगे। यहाँ पे गाड़ी का स्पेयर व्हील रखा हुआ है जो कि एक अच्छी जगह है जहाँ से खोलना लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। इसमें देखो आप गाड़ी का जो है ये एक्सल है ना, ये इसमें ही ट्रैक्शन मोटर लगी, मतलब इसमें अलग से इंजन नहीं लगा हुआ है, इसमें सिर्फ बैटरी लगी, और जो गाड़ी का इंजन है टेक्निकली वो यही कहलाता है। तो हम इसको उस तरफ से देखने की समझने की कोशिश करते हैं, पर आप ये समझो कि पीछे की तरफ बढ़िया कमानी आती है, बढ़िया पट्टे आते हैं, जैसे कि अगर थोड़ा लोड वोड ज़्यादा डाल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ब्रेक्स इनके अंदर ही आते हैं, इसमें ड्रम ब्रेक्स आते हैं दोनों तरफ, बहुत बढ़िया बनाएंगे जो प्रोडक्ट को, क्योंकि डिस्क ब्रेक वगैरह जो है वो इस गाड़ी में इस तरह से सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि ये कमर्शियल गाड़ी है, तो हाइड्रोजन का जो हमारा एकदम हाइड्रोलिक प्रेशर आता है वो थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है, इसमें ड्रम ब्रेक्स ज़्यादा सक्सेसफुल मेरे हिसाब से रहना चाहिए।
देखो दोस्तों, इसको हम लोग एक तरीके से ई ड्राइव एक्सल कहते हैं, मतलब इस ड्राइव एक्सल के अंदर ही सारी चीज़ें होती हैं। इसमें कोई गियर वगैरह ज़्यादा होते नहीं है, इसमें मोड होता है कि मोटर आगे और पीछे चल सकती है। ये थ्री फेज का इंडक्शन मोटर, देखो यहाँ पे आपको तीन फेज दिख रहे हैं, बैटरी से ही आने वाला करंट है। गाड़ी की बैटरी जो है वो यहाँ प्लेस की गई है, और ये आपको सारी की सारी बैटरी इस गाड़ी की दिखेगी। और ये मीका का देखो जहाँ पे पूरे चैसी पे नीचे से प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है, एक प्रोटेक्टिव प्लेट है जो गाड़ी की बैटरी है। और अगर आप बैटरी बढ़ा दोगे और बैटरी डाल दोगे तो गाड़ी की रेंज वगैरह भी बढ़ जाती है। ऐसी चीज़ें देखो, वहाँ पे आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स वगैरह दिख जाएगा, यहाँ से पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बैटरी से आने वाली पावर, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे आपको चार्जर वगैरह भी आगे की तरफ दिखा दूंगा अभी कैसे होता है। बाकी ये सिर्फ सिस्टम है इसमें, मतलब जैसे हमारी बाकी गाड़ियाँ होती है कि एक प्रॉपर ड्राइव शाफ्ट वगैरह लग जाए हमारी अशोक लेलैंड दोस्त वोस्त की तरह, वो नहीं होता यहाँ पे, या सुपर कैरी की तरह, तो वो सब चीज़ें नहीं होती यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि यहीं से पावर निकलती है, ये जो ताकत निकलती है सारा का सारा गाड़ी का जो इंजन है वो यही वाला है। तो ये सारी बात है इसके बारे में डाउन से। अब बात आती है कि गाड़ी को चार्ज कैसे करना है। तो गाड़ी को चार्जिंग के लिए यहाँ पे आप चार्जिंग गन लगा सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया जगह है, क्योंकि ये ड्राइवर साइड लगता है, ज़्यादातर पोर्ट्स हम लोग को ड्राइवर साइड ही मिलते हैं। एक्चुअली हम जब डीजल पेट्रोल गाड़ियाँ देखते थे तो उसमें ड्राइवर साइड ही हम लोग हमेशा मांगते थे वही सारी चीज़ें। अगर गाड़ी की हमने चैसी देखी थी शुरू में, और ये वाली चैसी को आप देखो, तो ये वाली चैसी देखो बहुत ही बढ़िया टेबुलर चैसी गाड़ी की यूज़ की हुई है, इस पर लगा हुआ है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जॉइंट्स वगैरह भी मुझे देखने को मिलते हैं। अब एक लॉन्ग रन में कैसा परफॉर्म करेंगे ये हम किसी कस्टमर के फीडबैक पहले डिलीवर हो जाने तो उसके बाद हम जान लेंगे। बाकी यहाँ पे आप देखो, मैंने दिखाया था ड्राइव एक्सल वगैरह बहुत ही बढ़िया, ई ड्राइव एक्सल वगैरह बहुत ही बढ़िया तरीके परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो एकदम इंटीग्रेटेड है, उसके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो हमें यही पता चल जाएगा और हम उसको काफी अच्छे से ठीक कर सकते हैं। वैसे इनका BMS यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। अब मैं इस गाड़ी का आपको केबिन और दिखा देता हूं ताकि आपको इस गाड़ी के बारे में प्रॉपर आइडिया लग जाए। बट एक चीज देख के बहुत अच्छा लगता है कि ये गाड़ी 100% इलेक्ट्रिक है, मतलब हम डीजल पेट्रोल से फाइनली जो है दूर जा रहे हैं और हम इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं। बट रेंज जो है वो कितनी मिलती है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि डीजल पेट्रोल 5 मिनट में भरा जा सकता है, बट चार्ज कितनी देर में होगा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। मीका का जो डैशबोर्ड है वो कुछ ऐसा दिखता है, मतलब इस टाइप से आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। ये आपको ग्लव बॉक्स वगैरह देखने को मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हो अपने काम की। और इसके अलावा नीचे भी डैशबोर्ड देखने को मिलता है, मतलब केबिन को प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की गई है। देखो यहाँ भी आपको बॉटल होल्डर वगैरह मिल जाएंगे, कार की तरह कम्फर्ट देने की कोशिश की गई है। यहाँ पे पावर विंडोज मिल जाएंगी। अब आप बताओ, इतनी छोटी गाड़ी में, मारुति सुजुकी सुपर कैरी जैसी गाड़ी में, आपको कब ऐसा था कि आपको मिला था एक पावर विंडोज, आपको कब मिला था इस तरह से कंप्लीट एसी भी नहीं, एसी और हीटिंग दोनों मिलती है, मतलब HVAC मिलता है। देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको ये गर्म के लिए है, ये ठंडे के लिए है। इसके अलावा देखो यहाँ पे ब्लोअर मिलता है, 3 स्पीड पे ये ब्लोअर कंट्रोल होता है। एयर कंडीशनिंग का डायरेक्शन, आप एयर फ्लो का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ये आपके लैंप्स वगैरह के लिए है, ब्लोअर के लिए चलाने के लिए है, एसी को ऑन ऑफ करने के लिए है। और यहाँ पे एक म्यूजिक सिस्टम भी कंपनी लगा के देती है, जो बहुत ही कमाल की चीज़ है इस टाइप की गाड़ी में, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि जिस कीमत में ये गाड़ी आएगी अगर बैटरी के प्राइस को हटा दो तो उन्होंने बहुत अच्छे से प्राइस को कंटेन भी किया होगा। इसके अलावा यहाँ पे भी अगर देखो तो ये आपके हेडलैम्प्स वगैरह के कंट्रोल्स हो गए, पार्किंग लैम्प वगैरह के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे अपने वाइपर वगैरह के कंट्रोल्स हैं। इसके अलावा ये आपका पूरा मिरर है जो बहुत अच्छे से आपको पीछे का दिखा देगा अगर आप ये वाला जो शीशा है ये यूज़ करते हो, क्योंकि ये वाला शीशा जो है वो बहुत ही बढ़िया, यहाँ से आप पीछे कार्गो वगैरह देख सकते हो। देखो हेडरेस्ट जो है वो आपको सिंगल उस पर आता है तो काफ़ी बढ़िया लगता है। ये सीट्स जो है वो अगर सच बताऊँ यहाँ पे फैब्रिक मुझे अच्छा लग रहा है। आप चाहो तो अगर ये फाइनल आपको आए तो सीट कवर चेंज करा लेना। इसके अलावा सच बताओ तो आप पूछोगे कि गियर बॉक्स कहाँ है, तो गियर बॉक्स नहीं होता है इसके अंदर। मैंने बताया कि जो कुछ है वो पीछे मोटर होती है, उसको सिर्फ आगे और पीछे की तरफ चलाया जा सकता है। तो इस तरफ अगर आप कर दोगे तो ये रिवर्स में चले जाएगा, इस तरफ न्यूट्रल है और इस तरफ ही ड्राइव में, मतलब आगे पीछे कर सकते हैं, बाकी कोई और चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपका हैंड ब्रेक है जो कि मैकेनिकल फॉर्म में, ऑब्वियसली जो हमारे ड्रम ब्रेक्स हैं उनके ऊपर काम करता है। गाड़ी में आगे की तरफ 2 बंदे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, 3रे बंदे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं बाकी सारी गाड़ियों में भी ऐसा ही होता है। ये आपको दोनों फ्रंट के पावर विंडोज के लिए कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ये आपकी MID जो स्पीड दिखाती है, बाकी सब चीज़ें डिजिटली, जैसे गाड़ी कितना चार्ज है, कितने घंटे चली हुई है, कितने किलोमीटर आपने गाड़ी चलाई हुई है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ से पता चलती हैं। बाकी डैशबोर्ड वगैरह काफ़ी इसका एकदम बढ़िया है। ये आपको सीट बेल्ट वगैरह रिमाइंडर वगैरह के लिए इन्होंने यहाँ से लगा रखा है। यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पेस और मिलती है, बॉटल वगैरह 2 डाल सकते हो आप इसके ऊपर। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का ये, यहाँ पे आपको कुछ और भी थोड़ी एक्सेसरीज वगैरह लगाने के लिए जगह मिल जाती है। क्लच नहीं है इसमें, क्योंकि गाड़ी ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक है, इसमें कोई क्लच की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ ब्रेक दबा के आप इसके जो मोड्स को चेंज कर सकते हो, मतलब रिवर्स और फॉरवर्ड 2 ही मोड्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एस्केलेटर वगैरह इस गाड़ी में होता है, जिससे कि गाड़ी में डिसाइड होता है कि कितना करंट मोटर के अंदर डालना है। बाकी सीट वगैरह को आप नॉर्मली जैसे उठ निकालते हैं हम लोग, वैसे निकाल सकते हो। तो ये कुछ बातें हैं मीका के बारे में। 100% इलेक्ट्रिक की बैजिंग के साथ में, मतलब कोई डीजल पेट्रोल का झंझट नहीं है भाई, CNG का झंझट नहीं है, सीधे लाइट है, चार्ज करो चलाओ।
अब अगर आपका 150 किलोमीटर में आपको लगता है कि आप कर लोगे, आपको लगता है कि आप 1.5-2 घंटे में पूरा अपने इस गाड़ी को रिचार्ज करके और ज़्यादा रेंज ड्रॉ कर सकते हो, तो आपके लिए गाड़ी है। साथ बताऊँ तो इनके पास बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह जो है वो बढ़िया है, काफ़ी टाइम से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम कर रहे हैं, R&D रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इन्होंने कमाल की हुई है। सरल भाषा में बताऊँ खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते, अगर ये बेच रहे हैं, अगर आपको कहीं बिकता हुआ मिल जाए तो आप खरीद लेना, फायदे में रहोगे। कीमत अभी मुझे भी नहीं पता है तो मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, इस चीज़ के लिए मैं आपसे वीडियो में सॉरी बोलता हूँ। और बाकी आप चीज़ों के लिए नीचे एक डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पर जाकर इंक्वायरी वगैरह डालो, आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। मेरे हिसाब से मीका 1.0 एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको पता है फ्री है आपके लिए। और मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।